अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के अनुसार संस्कृत भाषा में बात करने से मानव शरीर की तंत्रिका सक्रिय रहती, ये अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का कहना है, जिसमें उन्होंने कहा कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर जैसे रोगों से राहत मिल जाती है। संसार की लगभग 98% से अधिक भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव है। यह सचमुच हमारे राष्ट्रीय आदर्श वाक जो सत्यमेव जयते है, ये उसी पर आधारित है पूरी तरह से। सभापति महोदय, संस्कृति का प्रभाव सभी भारतीय भाषाओं पर तो है ही, इसके साथ साथ अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, इंडोनेशिया की भाषा, इस्लामिक भाषा की संस्कृत का भी प्रभाव। संस्कृत केवल एक भाषा ही नहीं, भारत की ज्ञान परंपरा एवं उसकी आत्मा है। भारत की प्राचीन और वर्तमानता का एक सेतु है। वह विज्ञान हो, तंत्र ज्ञान हो, कृषि हो, स्थापत्य हो, खगोल शास्त्र हो, वास्तुशास्त्र हो, योग हो या आयुर्वेद, धातु शास्त्र, इन सब में संस्कृति ने अपनी एक नई दिशा दिया है। हमारे पास जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब ने संस्कृति भाषा को राजभाषा बनाए जाने के लिए एक प्रस्ताव दिया था संविधान सभा में, और उस समय पर बंगाल के लक्ष्मीकांत बत्रा, असम के नसीरुद्दीन अहमद, चेन्नई के सुब्बा राव, टीटी कृष्णाचार्य जी, कर्नाटक के सीएम पुनाचा जी, ऐसे महान व्यक्तियों ने इसका समर्थन भी किया था, लेकिन कुछ लोगों ने अंग्रेजी भाषा को लेकर के विरोध भी किया। तब बाबा साहब ने कहा था कि भले हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, किंतु हिंदी भी संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए। ये बात उस समय पर आई थी। दुर्भाग्य है कि राजनीतिक कारणों से संस्कृति का विकास रोका गया, चूंकि ये देववाणी थी। दुनिया में भारत को विश्वगुरु की उपाधि मिली तो इन्हीं वेद पुराणों की वजह से, इन्हीं के ज्ञान की वजह से। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे, और जिस तरह से जब उन्होंने उसका संबोधन किया था, पूरी दुनिया ने उनके संबोधन को स्वीकार किया, और ये विश्व बंधुत्व का जो भाव है वो हमारी संस्कृति से निकला। वस्तुतः कुटुंबकम, ये तमाम सारे जो शब्द हैं, आज ये इसमें संसद परिसर में दीवालों में जो श्लोक लिखे हैं वो सारे श्लोक संस्कृत में लिखे, और इतने वर्ष लग गए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए। अब ये तीन जो हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटियां हैं, इनको अब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा अभी मंत्री जी बीच में कह रहे थे कि इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से हम अपने देश के संस्कृति का जो एक वैज्ञानिक प्रयोग है, जो उसका एक जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक अभिन्न रिश्ता है, हमारी संस्कृति उसके साथ जुड़ी हुई है, और सचमुच हमें तो सब कुछ मिला है इससे। हमें संस्कृति दी इस भाषा ने, संस्कार दिए, आध्यात्म दिया, अक्षरों का ज्ञान दिया, पूजा पद्धति तथा योग साधना दिया, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम देश को आगे ले जा रहे हैं, और सचमुच देश तभी आगे जाएगा जब हम इन भाषाओं का भी पूरा तरह संरक्षण करेंगे, इनके ज्ञान का वर्धन करेंगे, बड़ी संख्या में इनको साथ लोगों को साथ जोड़ने का काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास, और अब संस्कृति का भी पूरा विकास होगा, ऐसा मैं मानता हूं, और मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। लेकिन हालांकि सभी राजनीतिक दलों के वक्ताओं ने समर्थन किया है, मैं उनका सबका स्वागत करता हूं, लेकिन कुछ बातें जो टिप्पणी के तौर पर आई हैं, जैसे बंगाल का मामला आया, मैं समझता हूं कि इसमें उन सब चीजों को जोड़ना उचित नहीं होगा, और जिन लोगों ने कहा कि ये ठीक है, गणेश डीएमके के हमारे साथियों ने जिस तरह से कहा कि ये संस्कृति, तो वो सब सारी चीजें इसमें नहीं होना चाहिए, और मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। धन्यवाद मंत्री जी का, और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद गणेश सिंह जी।